हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिएगा। यूज मास्क एंड सैनिटाइजर्स एंड स्टे सेफ। तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले होममेड क्ले। तो ये क्ले है, बहुत ही वर्सेटाइल है, और मैं पहले ही बता दूं कि ये मेरा ओरिजिनल रेसिपी नहीं है। मैंने ये पिंटरेस्ट पे और यूट्यूब पे देखा है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मोस्टली इसे फ्लावर मेकिंग और ज्वेलरी मेकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि हम इयररिंग्स किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, स्पेसिफिकली नॉनस्टिक पैन चाहिए, और उसके बाद हमें लगने वाला है 1 कप कॉर्नफ्लोर एंड एनी वाइट ग्लू। तो किसी भी ब्रांड का ग्लू, वाइट ग्लू आप ले सकते हैं, तो वो भी 1:1 रेशो में लेना है। वो भी हमें 1 कप ग्लू लेना है। तो यहाँ पर जो भी मेजरमेंट्स है वो एग्जैक्टली लीजिएगा, तभी ये जो होममेड क्ले होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो अब ये जो ग्लू और कॉर्नफ्लोर है वो मिक्सचर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान से आप इसको मिक्स कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल कौन सा भी आप ले सकते हैं, और 1 टीस्पून विनेगर। तो विनेगर है वो एक प्रिजर्वेटिव जैसा एक्ट करेगा, और 1 टीस्पून वाइट एक्रेलिक कलर, क्योंकि ये जो क्ले है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो आपको वाइट कलर का क्ले चाहिए नॉर्मली यूज के लिए, तो आप वाइट एक्रेलिक कलर डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसको हीटिंग करने की। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है, मीडियम टू लोअर साइड रखना है। अब इसको कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है, क्योंकि आपको तो पता है कॉर्नफ्लोर किसी भी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो एकदम स्टिकी हो जाता है। तो इस वजह से आपको कॉर्नस्टार्च नीचे चिपकना चाहिए नहीं चाहिए, इस वजह से आपको कंटिन्यूसली उसको स्टर करना है। तो थोड़ी ही देर में, लगभग 5 to 6 मिनट बाद, ये थोड़ा सा ऐसा अनमैनेजेबल हो जाएगा। आपको शायद वो ठीक से मिक्स करना भी नहीं आएगा, लेकिन तब तक आपको वो अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा जोर लगा के मिक्स कीजिएगा तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसे गुठलियाँ नहीं बनना चाहिए, अच्छे से उसका मिक्सचर बनना चाहिए। तो ऐट द एंड आपको एक मैश्ड पोटैटो जैसा मिक्सचर मिलेगा। तो वही स्टेज है कि आपको आपका गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप, जो किचन का काउंटर टॉप है, वहाँ पर एक थोड़ा सा लोशन लगाया है, वैसलीन लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर लोशन लिया है, और जो गरम क्ले हमने अभी बनाया है वो डायरेक्टली लेना है। गरम गरम ही आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्ले ड्राई हो जाएगा और स्मूथ टेक्सचर वाला क्ले नहीं मिलेगा। तो आपके हाथों पर भी वो लोशन लगा लीजिएगा, तो आपको हाथों को भी वो थोड़ा गर्मी से प्रोटेक्ट करेगा। और इस तरह से आपको वो गूंदना है, जैसे आप रोटी बनाने के लिए जैसे आटा गूंदते हैं वैसे तरह से उसको गूंदना है। तो जितना आप उसको मलेंगे तो उतना ही वो अच्छे से स्मूथ और टेक्सचर वाला एक क्ले मिलेगा। तो इसको आप क्लिंग रैप कर सकते हैं या जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं, और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा। इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो विनेगर डाला है, उसके अलावा आप इसमें लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये देखिएगा, मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है। तो इसको ये क्ले आपको जैसी कंसिस्टेंसी है वैसे मिली है कि नहीं, वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है, आप दे सकते हैं इसको। हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं देखते हैं, और टीयर ड्रॉप टेस्ट करते रहते हैं। तो इसको आप जब खींचेंगे तो इस तरह का एक टीयर ड्रॉप शेप मिलता है, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी और स्मूथ क्ले हमें मिला है। और थोड़ा सा बेंड करके भी देखेंगे, नो क्रैक्स। और अब देखेंगे इसको कलर कैसे कर सकते हैं। तो इसको बाद में भी आप जो भी ऑब्जेक्ट है वो कलर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कलर मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया था कि एट द एंड में इयररिंग बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पोर्शन में ब्लैक कलर मिक्स कर देंगे तो वो ग्रे थोड़ा सा हो जाएगा, और थोड़े पोर्शन में हम येलो कलर मिक्स कर देंगे तो हम यहाँ पर सनफ्लावर के इयररिंग्स बनाएंगे। तो एक्रेलिक कलर्स, स्पेसिफिकली एक्रेलिक कलर्स इस क्ले में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन डार्क कलर आपको चाहिएगा तो थोड़ा ज़्यादा कलर आपको इसमें मिक्स करना पड़ेगा, और फूड कलर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से कलर मिक्स होने के बाद जो येलो कलर का बेस है उसका मैंने इस तरह से कॉइन शेप बनाया, और उसको सीजर की हेल्प से इस तरह से कट्स लगाए। तो जैसे कि स्टार्स शेप्स रहते हैं उस तरह से मैंने इस तरह से कट लगाए हैं। तो जो पोर्शंस हमने निकाला है कट करके, तो वो भी हम यूज़ करेंगे एज ए पेटल्स बनाएंगे उसे।
तो यहाँ पर मैंने एक टूथ पिक या स्क्यूअर भी ले सकते हैं, तो उसे यहाँ पर इस तरह से इम्प्रेशंस बनाया है। तो ये हो जाएगा बेस, सनफ्लावर के जो पेटल्स हैं वो हो जाएंगे। अब जो हमने कट किया वाला पोर्शन है उसको भी हम थोड़ा सा हाथों की हेल्प से इस तरह से रोल करेंगे सभी को, और सेम इम्प्रेशंस बनाएंगे, सेम टूथपिक या जो स्क्यूअर आप यूज़ कर रहे हैं उसी से हम इस तरह से इम्प्रेशंस बनाएंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करेंगे फेविकॉल। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्ले है वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में आप यूज़ कीजिएगा, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये जल्दी ड्राई हो जाता है। तो जो भी आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी ले दीजिएगा बाहर, और जो भी क्ले है वो फिर से जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने फेविकॉल की हेल्प से जो भी पेटल्स है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं, और बीच में हम जो ग्रे कलर का क्ले हमने बनाया है उसे एक छोटा सा बॉल डॉट बना के यहाँ पर बीच में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से इस तरह से उसके ऊपर थोड़े से जो सनफ्लावर का मिडल पार्ट रहता है उस तरह से इम्प्रेशंस बनाए हैं। अब इस तरह के मैंने दो सनफ्लावर्स बनाए हैं, और इसको पूरी तरह सूख देना है, बाद में इसको जो इयररिंग्स के स्टर्स मिलते हैं वो यहाँ पर लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक के हेल्प से उसको स्टिक कर दिया है। अब इसको सूखने छोड़ देंगे और ये हमारे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स, सनफ्लावर इयररिंग्स रेडी है। मैंने इसे किस तरह से स्टाइल किया है अगर ये आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी फ़ोटोज़ ज़रूर डालूँगी। तो आज का वीडियो किस तरह से लगा, आज के वीडियो हेल्पफुल है क्या, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में जो क्ले है उसे मैंने बहुत सारे कुछ DIY सोच के रखे हैं, तो वो आप देखना चाहते हैं क्या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।